फ्रेंड्स अगर आपका भी नाइन मंथ लग गया है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स नाइन मंथ में कुछ महिलाएं ऐसी गलती कर जाती हैं जिसकी वजह से उनको समय पर लेबर पेन नहीं आता है और जब समय पर लेबर पेन उनको नहीं आता है लेबर पेन में देर हो जाती है तो फिर ऐसे में डॉक्टर सीधा और सीधा सी सेक्शन डिलीवरी का ऑप्शन चुनते हैं मतलब उनकी ऑपरेशन से डिलीवरी कर देते हैं उनको एक बहाना मिल जाता है क्योंकि लेबर पेन लेट हो जाता है जिससे डॉक्टर कई तरीके के के बहाने सेट करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसीलिए अगर आपका भी मंथ मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपको में कुछ ऐसी गलतियां करने से बचना है जिससे कि आपके लेबर पेन आने में देरी बिल्कुल ना हो आपको समय पर लेबर पेन आ जाए तो आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जानने वाले हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए जिससे कि आपका लेबर पेन समय पर आए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ही बने सिजेरियन का डॉक्टर को बहाना ही ना मिले सो so, नमस्कार दोस्तों मैं हूं आप सभी के साथ रेशो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस नए वीडियो में आप देख रहे हो रिशुज ब्लॉग यूट्यूब चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किस हफ्ते तक लेबर पेन के लिए वेट करना चाहिए कब तक लेबर पेन ना आना नॉर्मल माना जाता है तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर ने आपको आपकी एल के अकॉर्डिंग ईडीडी दी है मतलब एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट दी है आपको केवल और केवल उसी डेट तक वेट करना चाहिए जो अल्ट्रासाउंड में ईडीडी आती है अल्ट्रासाउंड में आप देखते हो अलग अलग जितनी भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हो उसमें चेंज होके आती है तो आपको उस डेट तक वेट नहीं करना है जो डॉक्टर ने दी है आपको ई उस डेट तक आपको वेट करना है आपके पीरियड के डेट के हिसाब से कैलकुलेट करके वो ईडीडी डॉक्टर आपको दे देते हैं ठीक है तो आपको केवल और केवल उसी डेट तक वेट करना है इसके बाद दूसरी चीज अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है थोड़ा सा लेबर पेन में देरी हो जाए क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में काफी केसेस में देखा जाता है कि उनको लेबर पेन थोड़ा लेट आता है अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां नौवे महीने में करने से आपको बचना है जिससे कि आपको समय पर लेबर पेन आए और लेबर पेन में देरी बिल्कुल ना हो तो पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस एक तो आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है साथ ही साथ डिलीवरी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपकी बॉडी में जो लेबर पेन लाने वाले हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं रिलीज नहीं हो पाते हैं जिस वजह से लेबर पेन में देरी हो जाती है जैसे कि कई महिलाओं को क्या होता है कि नौवे महीने में डिलीवरी को लेके ही स्ट्रेस पैदा होने लगता है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी नॉर्मल हो पाएगी नहीं हो पाएगी अगर नॉर्मल होगी भी तो कितना दर्द होगा पहली चीज तो आप इन से बिल्कुल फ्री हो जाइए डिलीवरी होनी है हो जाएगी आराम से हो जाएगी डिलीवरी को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि इसका असर सीधा फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी पे पड़ेगा फिर सी सेक्शन डिलीवरी ही आपकी होगी तो डिलीवरी को डिलीवरी के टाइम तक के लिए ही आप छोड़ दीजिए अभी से स्ट्रेस पालने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये आपके लेबर पेन में देरी करेगा और साथ ही साथ सिजेरियन डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ाएगा इसीलिए स्ट्रेस को टटा बाय बाय बोल दीजिए इसके बाद है दूसरी चीज अगर आपका वजन नौवे महीने में तेजी से बढ़ गया है तो ये भी लेट लेबर पेन आने का रीजन होता है इसीलिए अपने वजन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है डाइट में जो तली भुनी चीजें हैं ज्यादा ऑयल वाली है ज्यादा घी है इनको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए एक हेल्दी डाइट जैसे कि ज्यादा से ज्यादा जूस लीजिए आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हो जैसे कि अगर दूध भी ले रहे हो तो बिना मलाई वाला आपको लेना चाहिए टॉन्ड मिल्क आपको लेना चाहिए जिससे कि वजन आपका कंट्रोल हो सके जो तेजी से बढ़ रहा है ठीक है बाकी मैदा से बनी हुई चीजें वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए हेल्दी डाइट प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे वजन आपका कंट्रोल हो जाए और आपको लेबर पेन समय पर आए और नॉर्मल डिलीवरी आसान हो पाए इसके बाद है तीसरी चीज अगर आपका वजन कम है या बच्चे का वजन कम है गर्भ में तो इन वजहों से भी लेवर पेन में देरी हो जाती है बच्चे का वजन कम है तो क्या होता है कि बच्चा आपके पैलविस एरिया पर प्रेशर नहीं बना पाता है जैसे कि सर्विक्स ओपन में भी प्रॉब्लम आती है और फिर लेबर पेन में भी देरी हो जाती है तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है तो अगर ऐसा है तो आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर दीजिए जैसे कि आपका वजन अच्छे से बढ़े और घर में बच्चे का वजन भी अच्छे तरीके से बढ़ पाए और लेबर पेन समय पर आ पाए इसके बाद नेक्स्ट वो होता है बेबी पॉजिशन अगर आपके बच्चे की पोजीशन ट्रांसवर्स है मतलब बच्चा इस तरीके से है या फिर बच्चे का सर ऊपर है पैर नीचे है मतलब बच्चा ब्रीच पोजीशन में है उल्टा है तो ऐसी कंडीशन में भी लेबर पेन लेट आता है या कई महिलाओं को डिलीवरी डेट तक भी लेबर पेन नहीं आता है जो अल्ट्रासाउंड होगा आपके नौवें महीने में उससे क्लियर हो जाएगा इसके बाद अगर आपकी थैली में पानी की कमी है जो बच्चा जिसमें रहता है एमनेटिक फ्लूड की कमी है अगर तो ऐसे में भी लेबर पेन लेट आता है तो उसकी भी आप कमी को पूरा जल्दी से जल्दी कर लीजिए नौ महीना लगा है तो आपके पास टाइम है अभी आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लीजिए जूसेस लीजिए सूप लीजिए जिससे कि एमरेटिक फ्लूड की जो कमी है थैली में वो पूरी हो पाए अगर ज्यादा ही कमी है तो डॉक्टर जैसा कहे आप वैसा करिए इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है एक्टिव नहीं रहना जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा रेस्ट करती हैं अपने आप को बीमार जैसे समझने लगती हैं एक तो हैवी वेट हो जाता है नौवे महीने तक आते आते तो महिलाएं क्या करती हैं ज्यादा रेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं तो इस वजह से भी क्या होता है आपकी पैल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं बन पाती हैं बेबी सही तरीके से एंगेज नहीं हो पाता है पैल्विक एरिया में जिस वजह से लेवर पेन भी आपको समय पर नहीं आता है इसीलिए जैसे ही आपका नौवा महीना लगता है आप एक्टिव रहना स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि बच्चा जल्दी जल्दी नीचे खिसकेगा एंगेज होगा पेल्विस एरिया में और लेबर पेन भी समय पर आएगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होंगे इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है आपको जैसे कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है तो ऐसी कंडीशन में भी लेबर पेन आने में देरी होती है तो ऐसे में तो वैसे ही आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से ही चलना चाहिए जैसा आपसे डॉक्टर कहते हैं वही आपको करना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो ये मेन ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को लेबर पेन नहीं आता है तो अगर आप में भी इन चीजों की कमी है और आप जानना चाहते हो कि क्या दिक्कत है तो जो नौवे महीने में अल्ट्रासाउंड होता है वो आप जरूर करवाएं तो जो भी आपके शरीर में दिक्कतें होती हैं किसी भी चीज़ की कमी होती है वो सब कुछ नौवे महीने के अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है बेबी की पॉजिशन घर में पानी कितना है बच्चे का वजन कम है क्या सिचुएशन बन रही है नॉर्मल डिलीवरी की सब कुछ क्लियर हो जाता है तो नौवे महीने का अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी मिस ना करें फिर जो भी कंडीशन बनती है अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं तो वेट कीजिए और अगर नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर से प्लान करके आप सी सेक्शन डिलीवरी भी करवा सकते हो आई होप फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा ये वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से बाय थैंक यू